हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी बोटनेक का कुर्ती कटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ, बहुत ही आसान तरीका मैं लेके आती हूँ सिलाई का, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है सीखने में। तो ये देखिए, ये पीछे का नेक है इस तरह से, और आगे का नेक कितना सुंदर इसमें मैंने बनाया है बोटनेक डिज़ाइन में ही। तो फ्रेंड देखिए, प्रिंटेड कुर्ती है और इसमें 3/4 मैंने बनाया है, और ये 1.5 मीटर कपड़े में मैंने बनाया है। तो चलिए इसका वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये डोरी लगा के मैंने इसके गले को बनाया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1.5 मीटर कुर्ती का कपड़ा लिया है और इसी में हमें 3/4 स्लीव का हमें कुर्ती कटिंग करना है। तो देखिए, ये मेजरमेंट है, इसी नाप से हमें कुर्ती को बनाना है। अगर आप बॉडी नाप ले रहे हैं तो भी आपका कुर्ती अच्छा बनेगा। तो देखिए, अगर इससे बनाते हैं तो कैसे नाप लिया जाता है, तो इस तरह से नाप लेना है। चेस्ट से ऐसे कपड़े को अच्छे से बिछाना है, एकदम हाथों से बराबर करते हुए। तो ये देखिए, तीरा कितना है उतना लिख लेंगे, और ये चेस्ट कितना है इतना एक पेपर पे लिख लेंगे, और ये कमर यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कितना कमर आया है। फिर वेस्ट साइड भी हम लिख लेंगे, और इस तरह से लिखने के बाद देखिए घेर हम लिख लेंगे, क्योंकि घेर के हिसाब से ही कपड़ा निकलता है। तो सब हमने लिख लिया, और ये देखिए हमारा स्लीव कितना है, लंबाई हम लिख लेंगे, मोहरी नाप के लिख लेंगे कि कितना हो गया। तो एक पेपर में हमें नोट करना जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए, नोट कर लिया हमने, चेस्ट हमारा 19 इंच है, कमर हमारा 17 है, हिप साइज 19 है, स्लीव हमारा 14 है, मोहरी 5 है, और घेर हमारा 20 इंच का होगा, और लेंथ 40 है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नाप हो गया, हमने लिख के रख लिया, तो ये काम हो गया हमारा। अब ये देखिए, ये कपड़ा है 1.5 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंटेड कपड़ा में हमें बहुत ध्यान से कपड़े की कटिंग करनी होती है, क्योंकि प्रिंटेड है, अगर एक फूल ऊपर को गया और एक फूल नीचे आ गया तो वो बिल्कुल देखने में भद्दा लगेगा, और अगर कस्टमर का कपड़ा है तो वो तो 10 सुनाने वाला है। तो इसलिए प्रिंटेड कपड़ा कभी भी हमारा जो फूल का जो मुंह होता है ऊपर के साइड में होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब कि फ्लावर हमारा सीधा दिखना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस कपड़े का अर्ज ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इतने में हमारा 20 इंच घेर का कुर्ती बन जाएगा। तो इसको ऐसे डबल करके पहले नाप लेंगे हम कि 20 इंच का हो रहा है या नहीं, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, इसको एक और फोल्ड हमने कर लिया, 4 फोल्ड हमने इस कपड़े को कर लिया, पूरे कपड़े को 4 फोल्ड हमने अच्छे से बिछा लिया, और बिछाने के बाद इसमें से हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो जितना भी लंबाई होता है उसमें 2 इंच प्लस करके हमें निशान लगाना रहता है फ्रेंड्स, इस बात का हमें ध्यान देना है, और ये जो बाकी कपड़ा है वो स्लीव बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, 40 में 2 इंच प्लस करके 42 इंच लेके हमने कुर्ती का कटिंग कर लिया, और जो कपड़ा बचा है उसका स्लीव हम कट करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड हमने बहुत अच्छे से इसको बिछा लिया है। तो बिछाने के बाद हमें सबसे पहले बोट नेक में क्या ज़रूरी होता है, बोट नेक हो चाहे कोई भी कुर्ती हो, सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करना है हमें फ्रेंड्स, 1 इंच प्लस करके हम इस तरह से निशान लगा लिया, और जितना शोल्डर लिया उतना ही हमने आर्म होल लिया है। तो देखिए, जितना शोल्डर लिया हमने उतना आर्म होल, और ये देखिए इस तरह से 15 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया, और ये 21 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया। तो इसको हम इस तरह से खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद चेस्ट का देखिए डबल होता है, जैसे हमने 19 लिखा है तो 19 का डबल कितना होता है फ्रेंड्स, 9.25 होगा। तो ऐसे देखिए, ऐसे 19 पकड़िए और ऐसे डबल करके तो आधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, जितना हमने लिखा है उस तरह से उसका डबल करके हमने, क्योंकि हमने कुर्ती का नाप लिया है। अगर आप बॉडी से नाप लेंगे तो जितना भी चेस्ट होगा उसका 1/4 पार्ट हमें निकालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा निशान लग गया। अब चलिए हम
आगे का काम करते हैं। तो यहाँ से एक इंच का इस तरह से तिरछा निशान लगा के इसमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा फ्रेंड्स अगर इस तरह से आप कटिंग करेंगे। तो चलिए अब बोट नेक का मैं इसमें 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसका डीप भी मैं देखिए आगे का इसको 6 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि इसी में हमें डिजाइन देना है। तो इसलिए नहीं तो मैं इसका 3.5 और 3.5 इंच पे निशान लगाती। तो देखिए 3.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच इसका डीप हमने ले लिया है। अब देखिए एक और निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। ये देखिए 3.5 इंच पर निशान लगा लिया और इसको बोट नेक का शेप हम लगा लेंगे, बोट का शेप हम लगा लेंगे। और नीचे में देखिए इसको इस तरह से हम निशान लगा ले रहे हैं। तो आगे का ये डिजाइनर नेक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे का नेक हम बाद में कटिंग करेंगे, इसके पहले हम आगे का जो भी है वो कटिंग का देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये सब हो गया। अब यहाँ से हमें शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना है। ये देखिए इस तरह से, तो शोल्डर मैंने 1/2 इंच डाउन कर लिया। अब यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और लाइन खींचना है आगे का आर्म होल का गोलाई देने के लिए। तो यहाँ से एक और गोलाई हम दे देंगे आर्म होल का, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी फ्रेंड्स इसमें कुर्ती में। तो देखिए फ्रेंड्स बोट नेक का कितना आसान तरीका है। तो चलिए सबसे पहले हमें बाहरी कटिंग करना है, अंदर वाला कटिंग हमें नहीं करना। ये सबसे पहले हम बाहर का कटिंग करेंगे। तो ये हो गया, अब यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ज्वाइन है तो इसको भी कट कर लेंगे और नीचे तक जितना भी ज्वाइन कपड़ा है इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कट होके ये 2 पार्ट में हो गया फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है कि इसको देखिए यहाँ पे गले का नॉच लगा लेंगे तो इससे पता चलेगा कि वहीं पे हमारा गले का विड्थ साइज है। इसको फिर से अच्छे से बिछा लेंगे और बिछा के आगे की आर्म होल की कटिंग करेंगे हम। तो ये देखिए आर्म होल की कटिंग हो गई। अब पीछे का साइड ले लेते हैं और इसमें हम बोट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो 3.5 इंच पे हमारा निशान लगाइए, 3.5 इंच नीचे से लेके इसको बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना के बोट का शेप दे देंगे और बोट का शेप देके इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं इसका शेप। तो देखिए कितना सुंदर इसका शेप आया है इस तरह से। तो अब हम फ्रंट पार्ट ले लेते हैं और इसमें हमें ये निशान जो है सिलाई का, ये हमारा सिलाई का परफेक्ट है इसलिए इस पर डार्क करना है। और डार्क करके इसको इस साइड पे ऐसे पलट के रखना है, रख के ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे तो इस साइड छप जाएगा, फिर इसको डार्क कर लेना है। तो ये दोनों साइड हमारा सिलाई का एकदम परफेक्ट बन जाएगा। नेक हम जब सिलाई करेंगे तो कैनवास के साथ इसका नेक रेडी करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो चलिए ये भी हो गया, अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो 1/2 इंच इस तरह से करके हमें स्लीव का नाप लेना है कि कितना हमारा स्लीव का चौड़ाई लेना है। और ये देखिए डबल फोल्ड हमने कपड़ा लिया है, इसको एक फोल्ड और हम करेंगे यहाँ से, ये देखिए। और ये फूल भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, सीधे साइड में होना चाहिए। तो जितना भी हमारा 14 लंबाई है स्लीव का तो उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करके इसका लंबाई ले लेंगे। ये देखिए 14 में 1.5 इंच प्लस करके मैं इसमें लंबाई ले रही हूँ। और यहाँ से 3 इंच हमें डाउन करना है नीचे की ओर, 3 इंच डाउन करके यहीं से हम शेप लगाएंगे बाहीं का। ये देखिए शेप हो गया। अब मोहरी का निशान लगाएंगे, जितना भी मोहरी है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करके यहाँ से कटिंग का निशान लगा देना है। और लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार और याद दिलाना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा बोट नेक कुर्ती का तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको इसमें क्या डाउट है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊँगी। तो ये देखिए इसको इस तरह से खोल लेना है और आगे की गहराई देना एकदम ज़रूरी है फ्रेंड्स स्लीव में। तो ये देखिए आगे की गहराई हमने इसमें दे दिया। तो इस तरह से हमारा
कुर्ती का कटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक डिजाइन फ्रंट पार्ट वाला है वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।